प्यारी जी, उस दिन हम तमाशा थे और आप तमाशबीन, लेकिन आज आज आप तमाशा होंगे। मुझे कमाल है यार, ये तो कमाल हो गया यार। तीसरी अदालत से सचमुच बहुत दिनों से मिलना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं तो उसकी दीवानी हूँ, दीवानी। भाभी जी, उस तीसरी अदालत से जरूर मिलेंगी। व्हाट? आप मुझसे मिलेंगे? तो एक काम कीजिए, आज रात 11 बजे अपने लॉन के बाहर हमारा इंतजार कीजिए। आई लाइक इट। हमने तो सुना था कि आप तीसरी अदालत को गले लगाना चाहती हैं। आइए। ठहर जा। तनक हम को गले लगा लो तीसरी अदालत। छोड़ दो हमें छोड़ दो। अरे छोड़ के लाना थोड़ी पकड़ो है भैया। ऊपर लो नली ऊपर लो। पप्पू सिंह जी, जिनको पकड़ना चाहिए उनको तो आप पकड़ते नहीं है। इनको क्यों पकड़ रहे हैं? ये तो आपका काम कर रहे हैं। इनको तो आपको इनाम देना चाहिए। अरे गोरी मैम, हम कब मर गए हैं जो जी हम काम कर रहे हैं? अरे तुम्हारी गिनती जिंदों में होती कहाँ है? बात कर रहे हैं भाई। इतना पैसा न्योछावर मांग कर इतना बड़ा पेट बड़ा रखा है, इसके अलावा और किया ही क्या है आपने? अच्छा तो जिन नौनो ठैया जो बच्चा है हमारे, वे तुमने पैदा कर दे? तो क्या बड़ी देशभक्ति का काम किया है आपने? अरे यार तुम हद कर रहे हैं। हमारे ये नौनो ठैया बच्चन में कल को कोई बच्चन बनेगो, कोई ऋतिक रोशन बनेगो, कोई करीना कपूर बनेगी, कोई रणबीर कपूर बनेगो, तो क्या देश को राम रोशन नहीं होएगो? आपके सारे बच्चे हीरो हीरोइन ही बनेंगे। किसी को आप पुलिस में भर्ती नहीं करना चाहते? वो कहा है ना गोरी मैम, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। ये ससुरे इतने निकम्मे हैं कि ये एक्टर ही बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। ये शोर शराबा कैसा है भाई? तीसरी अदालत? अरे भैया विभूति ठहर जाओ यार। हमने जो तीसरी अदालत को धर दबोचो है, पास में रही हूं। इसकी तो एक मिनट हाँ। एक मिनट हाँ। तूने मुझे बड़ा धोया बेटा और बार बार कूटा, अब मेरी पारी। अब तुझे मैं ऐसा कूटूंगा कि तू ये याद रखेगा। लेकिन उन्हें क्या आवाज थी, वही चिल्लाए। हाँ मुझे भी लगा कि इनके मुंह से तिवारी जी की आवाज आई। विभू जरा इनको एक घूंसा और मारो तो। घूंसा क्या, लात लो। अंगूरी हटिया, तीसरी अदालत में से लड्डू के भैया की आवाज काहे आ रही है? अरे एक मिनट भैया विभूति, इनको तनक जो टोपा हटाइयो। जी आप तीसरी अदालत हैं? अदियो लट्टू के भैया, तो वो आप थे जिसने तीसरी अदालत बनके हमें धोया? हाँ हम आपको धोएंगे। ठहर जा भैया विभूति यार, तुम तना कमर्शियल ब्रेक ले लो, हम तो फ्री फंड में खड़ेगा। कानून को भी तो अपनो काम करन दो। और भैया तिवारी तो जो बताओ, तुम ही हो तीसरी अदालत? अगर हम ये बताएंगे कि हम तीसरी अदालत नहीं हैं, तो भाभी जी की नजरों से गिरेंगे, और अगर ये कहेंगे कि हम तीसरी अदालत हैं तो हवाला जाएंगे। अरे हम कहेंगे तो क्या कहें? नहीं, आपको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि लड्डू के भैया तीसरी अदालत हैं।
लेकिन आपको क्यों विश्वास नहीं हो रहा है कि तिवारी जी तीसरी अदालत हो सकते हैं? का है कि अनिता जी लड्डू के भैया बहुत डरपोक है। वो का है कि वो तो चिपकली देखकर बेहोश हो जाते हैं। इतना बहादुरी का काम तो वो कर ही ना ही सकते हैं। अरे भाभी ऐसो है, इतको लंबो चौड़ो डिस्कशन को टाइम नहीं है हमारे पास। अब ऐसो है, तिवारी उर्फ तीसरी अदालत, यू आर अंडर अरेस्ट। दरोगा जी, इनको आप ले जाएंगे तो हमारा कहाँ होगा? भाभी जी मैं हूं ना। एक्चुअली अनु भी है, हम दोनों मिलके आपको देख लेंगे। विल टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी। लेकिन हप्पू सिंह जी, आप इन्हें क्यों अंडर अरेस्ट कर रहे हैं? ये तो कानून की मदद कर रहे थे ना। अब ऐसा है गोरी मैम, इनने कानून को हाथ में लाओ है तो साल 6 महीना जेल की रौनक तो बढ़ाने पड़ेगी ना। चलो भैया। काटे नहीं कटते हैं दिन, ये रात कहनी थी हमको जो दिल की बात, लो आज हम कहते हैं आए। भाभी जी गाइए ना, आगे गाइए, आगे गाइए, बोलिए ना। हमको शर्म आती है भाभी जी। कब तक शर्म आती रहेंगी? यही मौका है, बोल दीजिए, यही मौसम है, बोल दीजिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे भाभी जी, कब बोलेंगे, कब कब बोलेंगे? का बोले जो आपके दिल में है। हमारे दिल में कहाँ है? जज्बात। जज्बात कहाँ होता है? दिल में जो तूफान होता है। तूफान आने वाला है का? जी कच्छों को फाड़ दीजिए, फॉर गॉड से। कोई तूफान नहीं आने वाला। मैं उस तूफान की बात कर रहा हूँ भाभी जी, जो जो दिल में उठ रहा है, उस तूफान की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। किसके दिल में उठ रहा है? भाभी जी मेरे दिल में उठ रहा है, मेरे दिल में तूफान उठ रहा है। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी जी अगर आपको समझ में आ जाता या तो हम 12 हो जाते या फिर 9-2-11 हो जाते। बोले भाभी जी एक शेर सुनाइए ना, अपना पतिली सीरीज का कोई शेर, अगर आपने कोई नया लिखा हो तो। जोक सुनाए का? ओह रियली, आप जोक भी सुनाती हैं? हाँ, अब हम जोक लिख रहे हैं। वाओ, मतलब आप जोक लिख रही हैं आजकल, क्या कि क्या बात है भाई, बड़ी टैलेंटेड है आप भाभी जी। प्लीज सुनाइए, प्लीज प्लीज। एक चीटी जो है वो बेहोश हो जाती है, पूछिए काहे? काहे? काहे के वो हाथी को खून देके आई होती है। भाभी जी वाह वाह, क्या चौक, अरे यार कहाँ चले गए? ओ गॉड, आई आई गॉट, भाभी जी बहुत अच्छे, क्या बात है, हाथी को खून दे, जी इट्स नॉट ट्यूमर, इट्स ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर। सही पकड़े हैं। एक और सुनाए का?
श्योर हम तो बड़े खाली किस्म के हैं, जो चाहिए सुना दीजिए. ऑल डेट माई सर. सुनाते सुनाते सुनाइए. एक बार एक चींटी बहुत उल्टियां करती रहती है. पूछे काहे? काहे? काहे के वो हाथी के बच्चे की माँ बनने वाली होती है. भाभी जी ऑसम, क्या जोक था आपने. और अच्छे बच्चे की माँ थी. और जोक सुनाए का बहुत है. ऐसा क्या सुना दिया अंगूरी ने कि ये हंसी की हंडिया उंडेल रहे हैं. बताइए, अंगूरी भी जोक सुनाती है और ऐसे जोक सुनाती है कि लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं. हमें तो ये पता ही नहीं था. आप मुझसे कौन से जन्म के दुश्मनी निकाल रहे हैं? दुश्मनी तो साले उस बिचौलिए ने मेरे साथ निकाली है. मेरी शादी तुमसे करवा के. टेरिबल. क्या देखा जा रहा है भाई? अरे मैं चैनल सर्व कर रही हूँ, कोई कॉमेडी शो आ रहा है. अरे यार ये अच्छा शो है यार, मैं देखता हूँ, बहुत फनी है. I like the show. क्या दिखा रहा है? रिवाज तेज करता हूँ. अरे एहसान मानो मेरा, जो मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के साथ आपकी शादी हुई, वरना आपसे तो कोई गधी भी शादी नहीं करती. काश काश कोई गधी शादी कर लेती, कम से कम सिर्फ घास का खर्चा उठाना पड़ता. यार तुमने ये बंद क्यों कर दिया यार? ये नंबर वन शो है यार. क्या कॉमेडी है, सो फनी. मेरा फेवरेट शो, आई लव दिस शो. एक पति अपनी पत्नी की बेइज्जती कर रहा है, इसमें तुम्हें नंबर वन कॉमेडी नजर आ रही है? कम ऑन चिल यार. बेइज्जती मतलब क्या यार, उसमें ह्यूमर है. पति अपनी पत्नी की बेइज्जती कर रहा है, इसमें तुम्हें ह्यूमर नजर आ रहा है? इट्स ह्यूमर फॉर यू. जैसा ह्यूमर यार, तुम भी ना इतनी. अब देखो इसमें ना, कई बार वो अपनी पत्नी को वो बोलता है अपना ये चुड़ैल. I find it so funny. I mean, that really works for me, you know? एक पति अपनी पत्नी को चुड़ैल बोलता है तो यू फाइंड इट फनी. यानी कि मेरे पीठ पीछे तुम अपने मन में मुझे चुड़ैल बोलते होगे, तुम्हें बहुत मजा आता होगा दिल में. Isn't it? Yeah? No. मैं तुम्हें चुड़ैल क्यों बोलूंगा यार? तुम इतनी हसीन औरत, मैं तुम्हें चुड़ैल क्यों बोलूंगा? Come on, don't take it so personally, okay? अरे बेबू मैं पर्सनली नहीं ले रही हूँ. मुझे ऐसा वुमन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है देखने में कि लोगों को औरतों की बेइज्जती करने में मजा आता है. It's comedy for them. I'm sorry. I'm really sorry. मैं चैनल अभी ब्लॉक करवा देता हूँ. And I really mean it. Better. आज के बाद से ये चैनल मुझे नजर नहीं आना चाहिए टीवी पर. मैं चुड़ैल दिखती हूँ आपको? हाँ चुड़ैल है तू. चुड़ैल है, चुड़ैल है. कितना कन्विंसिंगली बोलता है यार, तुम चुड़ैल हो चुड़ैल. आई लव हिज कन्विक्शन. अंगूरी अंगूरी, अरे चाय वाय नहीं पिलाओगी क्या? अरे अरे आप के लिए चाय बना रहे थे. ई लीजिए.
क्या बात है, आज बहुत जल्दी ब्रेकअप हो गया आपका। अरे वो ब्रेकअप नहीं, वेकअप होता है पगली। सही पकड़े है, काहे जल्दी उठ गए? हम कहाँ उठे, तुमने रात को हमको इतनी जल्दी जो सुला दिया था पगली। आ जाइए जाइए, हम तो अभी तक पूजा भी नहीं किए, हमको मत छुइए। सुनो तो, कहाँ है? हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि आजकल तुम बहुत जोक वोक मारने लगी हो। हदिया, कहाँ सुनी ये खबर आपने? सुबह सुबह न्यूज चैनल में ब्रेकिंग न्यूज पे आ रहा था कि अंगूरी ने आजकल शेरो शायरी और गाना माना छोड़ के वो जोक वोक मारना शुरू कर दिया है। लेकिन हम तो किसी न्यूज चैनल पे ना ही बताया है अब तक। तो किसी खबरची को तो सुनाई होगी ना। हाँ, अब भरभूति जी को सुनाए थे सवेरे सवेरे हम जोक। भभूति जी को सुनाया था ना। तो वही जोक हमें भी सुनाओ, हम भी सुन के ठहाका लगाना चाहते हैं, जरा सुनाओ तो। सुनाओ। नहीं नहीं, हमको शर्म आती है। तुम भी कमाल करती हो अंगूरी, फालतू के आदमी को जोक सुनाती हो और तुम्हारा खुद का पति जोक सुनाने को कह रहा है तो तुम्हें शर्म आ रही है? सुनाओ ना पगली, सुनाओ जरा, सुनाओ। ठीक बा सुनाते हैं। ठीक बा, पहले चाय पी लीजिए। कहा है ना, वो जोक इतना मजेदार है, इतना मजेदार है कि हंसते हंसते गले में चाय अटक जाएगी आपकी, तो आप चाय पी लीजिए पहले। ठीक है। चलो आप सुनाओ। अरे सुनाओ। एक बार एक चींटी बेहोश हो गई थी। अब पूछे काहे? काहे? खून देके आई थी। का है, अच्छा ना ही लगा का? ठीक बा, हम दूसरा जोक सुनाते हैं, वो तो बहुत ही मजेदार है, बहुत मजेदार है। एक बार एक चींटी बहुत उल्टियां कर रही थी। पूछो काहे? काहे? काहे के वो हाथी के बच्चे की मां बनने वाली थी। ये जोक है? जोक ही तो है। अरे जोक के ऊपर जोक है भैया, जोक हमने आज तक नहीं सुना। अरे भरभूति जी तो कह रहे थे कि ऐसा मजेदार जोक हमने आज तक ना ही सुना। अरे भरभूति जी को गुइया कुछ पता है? वो तो हंस हंस के रास्ते में गिर गए थे। अरे वो तो वैसे ही गिरे हुए इंसान है, काम धंधा तो कुछ है नहीं, चले आते हैं यहाँ पर टाइम पास करने के लिए। चीटी उल्टियां कर रही थी क्योंकि वो हाथी के बच्चे की माँ बनने वाली थी, ये कोई जोक है? आई तो जोक ही तो है ना। चुप रहो। इतना बड़ा हाथी, इतनी सी चीटी, कैसे हाथी के बच्चे की माँ बनने वाली है, है? अरे शेरो शायरी कुछ कम थी क्या, जैसे भैया तोते पालने लगी? जाओ देख अपना काम करो। आप में तो बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। अरे वो सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं, ह्यूमर होता भगली। सही पकड़े हैं, अब बिल्कुल भी ना ही है। लेकिन भरभूति जी में है, बहुत सारा है, आप तो बिल्कुल ही ना ही है। जोक भी ना ही समझता कि जोक किसको कहते हैं, कुछ भी ना ही समझता है। हमें सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, ये बात को समझ में नहीं आई। ये अंगूरी भी ना पता नहीं कैसी कैसी गलत फहमियां पाल लेती है। पहले पतीली के ऊपर पतीली जैसे घटिया शेर सुनाकर हमारा पतीला बना दिया, अब ये हाथी और चींटी जैसे बचकाना जोक सुनाकर कह रही है लड्डू के भैया आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जीरो है, आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। और पुष्पक कैसा है?
मेरा नाम पेलू है। अबे मुझे पता है तेरा नाम पेलू है। जब भी मैं तेरी ये शकल देखता हूं ना, तो मुझे वो साइलेंट फिल्म है ना पुष्पक, उसकी याद आ जाती है। मैं तेरा खून कर दूंगा। तू मेरा खून कर देगा? मनमोहन तिवारी का तू खून कर देगा? कैसी बातें कर रहा है बेटा? ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसे मैं तेरा खून कर दूंगा, ऐसा एक चींटी ने हाथी को कहा जब हाथी उसका स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर समंदर में नहा रहा था। ये एक जोक था जिस पर तुमको हंसी नहीं आई, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही घटिया है।